हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? श्रेणीबद्ध रैंकिंग, एंडोगेमस स्ट्रेटा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, श्रेय स्थिति। कौन इसमें जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के मामले में मूल्य और मांग सकारात्मक रूप से सहसंबंध है। सामान्य वस्तु में सुख साधन, निम्न स्तरीय वस्तु में विलास वस्तु में। राइट आंसर बताइए। किसके मामले में मूल्य और मांग सकारात्मक रूप से सहसंबंध है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा, निम्न स्तरीय वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोवियांड आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया? ब्राउन, सेलिंगमैन, मैलोवस की दुर्खी। ट्रोवियांड आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, मैलोवस की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है? रिची, प्लेटो, लॉक, हिलर। कौन प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पानी, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट चेतना की संरचनाओं का अध्ययन है। जैसा कि पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव किया जाता है, कार्यात्मकता, संरचनावाद, घटना विज्ञान, विनिमय। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन में पूछा है चेतना की संरचनाओं का अध्ययन है, तो घटना विज्ञान चेतना की संरचनाओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन में नहीं बता पूछा है, नहीं बताना है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? साइकिल के टक्कर के बाद दो व्यक्ति आपस में मारपीट करते हैं। दो साइकिल चालक एक दूसरे से अपनी साइकिल टकराने के बाद पछतावा व्यक्त करते हैं। दो साइकिल चालक एक दूसरे का ध्यान रखे बिना अपने अपने तरीके से जा रहे हैं। विपरीत दिशाओं से आने वाले दो साइकिल चालक एक दूसरे को रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, दो साइकिल चालक एक दूसरे का ध्यान रखे बिना अपने अपने तरीके से चले जा रहे हैं। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर। मैक्स वेबर ने इसके बारे में सामाजिक क्रिया का इनका जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने बताया था और इन्होंने कहा था कि एक्शन सोशल है, मतलब क्रिया सामाजिक है। यदि अभिनय व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखता है और इस तरह अपने पाठ्यक्रम में उन्मुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकासवाद का चक्रीय प्रस्तावक है? विकासवाद के चक्रीय सिद्धांत का प्रस्तावक है पार्सन्स, दुर्खिम, स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। कौन विकासवाद के चक्रीय सिद्धांत का प्रस्तावक है? ओस्वाल्ड स्पेंगलर हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड वर्क शुरू होने से पहले किया जाना है। पायलट अध्ययन, जनगणना का अध्ययन, मामले का अध्ययन, सर्वेक्षण। राइट आंसर बताइए। उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड वर्क शुरू होने से पहले किया जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकीय माप को एक पैरामीटर कहा जाता है, जबकि एक नमूने पर आधारित एक उपाय के रूप में जाना जाता है। पैरामीटर, आंकड़े, अनुमान, ब्रह्मांड। राइट आंसर बताइए। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकी माप को एक पैरामीटर कहते हैं, जबकि एक नमूने पर आधारित एक उपाय को आंकड़े कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के स्टेटस ग्रुप्स की पहचान डॉट डॉट द्वारा की जाती है। शिक्षा, जीवन की शैलियाँ, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि। राइट आंसर बताइए। मैक्स वेबर के स्टेटस ग्रुप्स की पहचान की जाती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, जीवन की शैलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन विषम है। जूलियन स्टीवर्ट, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन एक विषम है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीकरण की गिडिंग्स की अवधारणा का तात्पर्य है न केवल समय के साथ बल्कि अंतरिक्ष में भी संबंधों का पुनरुत्पादन। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्षेत्रों द्वारा सीमित है। एक क्षेत्रीय समाज अन्य समाजों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। मुख्य धारा का समाज क्षेत्रीय समाजों की विशेषताओं को प्राप्त करता है। राइट आंसर बताइए। क्षेत्रीयकरण की गिडिंग्स की अवधारणा का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, न केवल समय के साथ बल्कि अंतरिक्ष में भी संबंधों का पुनरुत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्तेदारी संरचना के अपने अध्ययन में किसने यांत्रिक और सांख्यिकी मॉडल दिया। लेवी स्ट्रॉस, फ्रेजर, ब्राउन, नॉडल। किसने यांत्रिक और सांख्यिकी मॉडल दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरब्रीडिंग और उपजाऊ संतानों के उत्पादन की क्षमता वाले जीव को कहा जाता है। कच्छा, गढ़, प्रजात, उपर्युक्त सभी। इंटरब्रीडिंग और उपजाऊ संतानों के उत्पादन की क्षमता वाले जीव को प्रजात कहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिंबित नहीं है। संसाधन और शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में समाज। परिवर्तन अपरिहार्य है, अक्सर फायदेमंद होता है और रोचक हो सकता है। समाज को उन भागों की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्य करने के लिए बातचीत करते हैं। वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करता है। कौन सा कथन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिंबित नहीं है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, समाज को उन भागों की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्य करने के लिए बातचीत करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में भूमिका का वर्गीकरण किसने किया? नॉर्डेल, जीपी मर्डॉक, पार्सन्स, स्पेंसर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है एसएफ नॉर्डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई भी नहीं। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चर विपरीत दिशा में अपने मूल्यों से भिन्न हो रहे हैं तो इसे कहा जाता है? सकारात्मक संबंध, रैखिक संबंध, नकारात्मक संबंध, आंशिक संबंध। यदि दो विपरीत चर अपने मूल्य से भिन्न हो रहे हैं, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है नकारात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का तत्व तो नहीं है? स्वयं, अहंकार, प्रतीक, भूमिका लेना। कौन सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का तत्व नहीं है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह संबंध बीच के सह संबंध की डिग्री को इंगित करता है? गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, एक गुणात्मक अनुकूलता और एक मात्रात्मक चर, चर का संयोजन। राइट आंसर बताइए। सह संबंध बीच के सह संबंध की डिग्री को इंगित करता है, मात्रात्मक चर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात व्यवस्था के भीतर गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत को किसने लागू किया था? एम एस राव, घुरिये, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। जात व्यवस्था के भीतर गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत को किसने लागू किया था? एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फर्म के डॉट डॉट को कवर नहीं किया जा रहा है तो फर्म को अल्पावधि में बंद कर देना चाहिए? परिवर्तनीय लागत, निश्चित लागत, कुल लागत, स्पष्ट लागत। राइट आंसर बताइए। यदि फर्म की परिवर्तनीय लागत को कवर नहीं किया जा रहा है तो फर्म को अल्प अवधि में ही बंद कर देना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रतियोगिता की धाराओं में से एक है? कुछ खरीदार और कुछ विक्रेता, कई खरीदार और कुछ विक्रेता, कई खरीदार और कई विक्रेता, सभी विक्रेता और खरीदार ईमानदार हैं। राइट आंसर बताइए। कौन से सही प्रतियोगिता की धाराओं में से एक है? कई खरीदार और कई विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार उन परिणामों को देखा जा सकता है जो प्रणाली के अनुकूल या समायोजन को कम करते हैं? कार्य, गैर कार्य, रोग, कार्यात्मक विकल्प। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, विवाह, परिवार, जाति उदाहरण है सामाजिक मूल्य के, सामाजिक संस्था के, सामाजिक मानदंड के, समाज का सामाजिक विभाजन। धर्म, विवाह, परिवार, ये सब सामाजिक संस्था के उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे निश्चित प्रक्रियाएं या नियम जिन्हें लोगों से मानने की अपेक्षा की जाती है? मानदंड, संस्था, मान, समूह, व्यवहार। वे निश्चित प्रक्रियाएं या नियम जिन्हें लोगों से मानने की अपेक्षा की जाती है?
ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है संस्थाएं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मानदंड। वे निश्चित प्रक्रियाएं या नियम जिन्हें लोगों से मानने की अपेक्षा की जाती है, वो मानदंड है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। सॉरी, मैंने गलत बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय परिवार में माता पिता अपनी बेटियों को ससुराल में एक अच्छी पत्नी बेटी बनने के लिए तैयार करते हैं, यह एक उदाहरण है। प्रत्याशी समाजीकरण का, वयस्क समाजीकरण का, समाजीकरण का, पुनः समाजीकरण का। राइट आंसर बताइए। एक भारतीय परिवार में माता पिता अपनी बेटियों को ससुराल में एक अच्छी पत्नी और बेटी बनने के लिए तैयार करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा, प्रत्याशी समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? लेवी स्ट्रॉस, मैलनोवस्की, ब्राउन, नॉडेल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी और व्युत्पन्न जरूरतों के आधार पर एक कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? मैलनोवस्की, मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर। बुनियादी और व्युत्पन्न जरूरतों के आधार पर कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, मैलनोवस्की ने। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।